हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि तभी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। और सब गाइस कैसे हैं आप सभी, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस बना रहा हूँ इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर है Vivo V11 Pro, तो Vivo V11 Pro में कैसे आप बहुत ही बढ़िया इमेज कैप्चर कर सकते हैं। कुछ एक इस वीडियो में पर्टिकुलरली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा, तो यूज़ करके आप भी ऐसे भी इमेजेस को ले सकते हैं। मुझे कई लोग पूछे थे कि ऐसे इमेजेस आप कैसे लेते हैं सर, हमें थोड़ा बताइए करके, तो ये रहा मेरा टिप। यहाँ पर जैसे कि देख सकते कुछ भी नहीं, कुछ पेड़ है, लीव्स है, एंड यहाँ पर एक कंप्यूटर है मेरा एडिटिंग का, तो PC बिल्ड भी कर रहा हूँ इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर PC बिल्ड गाइड। तो खैर देखिए अभी कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट मैं यहाँ पर लाता हूँ फ्रेम में, तो कैसे चेंज हो जाता है फ्रेमिंग। आप लेंस ही नहीं, कोई भी अपना सब्जेक्ट हो वो ले सकते हैं। मेरे पास एक लेंस था तो मैंने आपको दिखाने के लिए एग्जांपल के लिए ये वाला ले रहा हूँ। ये एक प्रोडक्ट है ना, एक चीज़ है, थिंग है ये प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं Vivo V11 Pro में, तो बहुत ही अच्छा इमेजेस आता है। तो जनरली कैमरा को ओपन करके क्लिक करेंगे तो ऐसे इमेजेस आता है। ऑफ कोर्स ये इमेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखिए इस चीज़ को, यही इमेज को कैसे आप अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं इसी चीज़ को यूज़ करके। तो पहले हम सेटिंग्स में क्या करेंगे, पोर्ट्रेट बोके को एनेबल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पोर्ट्रेट बोके यानी सिर्फ पर्संस का इमेज लेने के लिए नहीं, ऐसे चीज़ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए पोर्ट्रेट बोके यूज़ करते ही आपको थोड़ा डिस्टेंस में रहना है ठीक से, अच्छा इमेज शार्प इमेज आने के लिए। एक पोर्ट्रेट बोके में बहुत ही अच्छा ग्लो रेडियंस आता है, क्योंकि वो पोर्ट्रेट समझकर आपको बहुत ही अच्छा ग्लो एंड सॉफ्ट वाला फीलिंग देता है, एक अलग ही फीलिंग आता है प्रोडक्ट शॉट्स के लिए। तो ऐसे मैं यूजुअली कैप्चर करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट शॉट्स, आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर देख सकते हैं, लाइक कीजिए उस पेजेस को, आप बहुत ही अच्छे अच्छे इमेजेस देख सकते हैं। तो ये वाला देखिए, आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा एंगल पर अच्छा इमेज आने वाला है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत ही वेरी स्टेडी आपको मोबाइल पकड़ना है, तो पकड़ने के बाद जस्ट आप कैप्चर कीजिएगा एंड यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया इमेज आता है। प्रीवियस इमेज ये था, इसमें देखिए कुछ इंटरेस्टिंग ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि ये सारा चीज़ दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल ब्लर कर दिया है। अगर समझ लीजिए यहाँ पर कुछ लाइटिंग का हो पीछे बैकग्राउंड में, कुछ गोल्डन लाइट्स का, LED लाइट्स का हो, तो और भी सुंदर आता है पिक्चर। तो जस्ट आपको क्विकली एक दिखाने के लिए कि कैसे मैं प्रोडक्ट शॉट्स लेता हूँ, ये वाला देखिए सेटिंग्स में बिल्कुल शार्प इमेजेस ऑन योर Vivo V11 Pro। ये तो मोबाइल में लिया हो ना, कोई DSLR कैमरा नहीं, तो कितने सारे अच्छे फ्रेमिंग्स, कितना शार्प है इमेज, आप देखिए कितना कैसे लाइंस लिया है इन डिटेल। तो ऐसे आप भी ले सकते हैं दोस्तों, तो इन टिप को यूज़ करके आप लीजिएगा एंड मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसे इमेजेस आप लिए हैं, दिखा भी सकते हैं आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। तो देखिए पोर्ट्रेट बोके है यहाँ पर सेटिंग्स में, और जहाँ पर चाहिए आप रीफोकस कर सकते हैं एंड इस नंबर को जितना कम करेंगे उतना बैकग्राउंड ब्लर होगा, जितना आप ज़्यादा करेंगे इस नंबर को उतना शार्प मिलेगा आप। तो बहुत ही बढ़िया फीचर देते हैं Vivo V11 Pro में आपको कंट्रोल करने के लिए। तो अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो और भी बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया, अभी देखिए सो ब्यूटीफुल इमेज, जस्ट एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट लेंस का इतना आप अच्छा कैप्चर कर सकते हैं Vivo V11 Pro में। होपफुली अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी देखें और अच्छा अच्छा पिक्चर्स कैप्चर करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे सब्सक्राइब करके। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।